फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी पनी एजुकेशनल एकेडमी। चलो, लास्ट वीडियो में हमने जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है हमारी, उसमें से हमने थोड़े लेशन किए थे, और ये जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें हमने 8 लेशन कंप्लीट किए हैं। तो आज हम हमारा न्यू लेशन, लेशन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। उसका नाम है टेनाली रमन मीट्स बबूर। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। विजयनगर वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड प्रॉस्परस एम्पायर ऑफ साउथर्न इंडिया। इट वॉज स्प्रेड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू। कृष्णा देवा राय वॉज कंसिडर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर। यानी जो विजयनगर जो सिटी है, विजयनगर जो है वो इंडिया, साउथ इंडिया का सबसे अच्छा और सबसे पावरफुल एम्पायर है। वहाँ का कौन है? कृष्णा देवा राय। कृष्णा देवा राय वो वहाँ का एम्पायर का ग्रेटेस्ट एम्पर है विजयनगर का। ओके, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ से लेशन स्टार्ट होता है। इन द अर्ली पार्ट ऑफ 16th सेंचुरी सी ड्यूरिंग द रूल ऑफ कृष्णा देवा राय देर वेर 8 पोइट्स हु वेर कंसिडर द पिलर्स ऑफ द स्ट्रेंज ऑफ हिज रॉयल कोर्ट। Tenali Raman was one of them. Besides his poetry, Tenali was known for his intelligence and quick wit. Thus, Tenali Raman was appointed as the jester and poet in the court of Krishna Dev Rai. क्या कहा है यहाँ पे कि जब कब की बात है? ये 16th सेंचुरी की यानी 16वीं सदी की बात है कि जब कृष्णादेव राय का शासन चलता था उस समय उसके यहाँ 8 पोएट जो फेमस थे, उसमें से एक था तेनाली रमन। और तेनाली रमन जो पोएट्री करता था तो उसकी वजह से, उसकी इंटेलिजेंस यानी उसकी बुद्धि चतुराई, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। और इसीलिए कृष्णा देव राय की कोर्ट में उसको जेस्टर और पोएट दोनों के रूप में उसको अपॉइंट किया गया था। News of Tenali Raman's wonderful sense of humor spread far and wide. Tenali Raman की जो sense of humor है यानी जो उसकी quality of being funny यानी सबको जो हंसाने की उसकी quality है। sense of humor का meaning क्या होता है? सबको हंसाने की जो उसमें quality है, जो उसमें सबको हंसाने की जो क्षमता है वो far and wide, far and wide का meaning होता है over a large area यानी बहुत सारे area, बहुत दूर तक उसकी वो बात फैली हुई थी। बबूर द पावरफुल मुगल एम्परर हु लिव इन दिल्ली वॉज कीन टू मीट हिम। कीन यानी ईगर। जो दिल्ली का मुगल, जो दिल्ली का मुगल था, मुगल दरबारी था दिल्ली का, उसका नाम है बबूर, वो तेनाली रमन से मिलने के लिए बहुत आतुर हो रहा था। हैंस बबूर सेंट अ मैसेंजर टू विजयनगर। बबूर ने विजयनगर पे एक मैसेंजर भेजा यानी किसी को भेजा वहाँ पे मैसेज लेके। पहले के टाइम पे तो होता था ना कि जो ऐसा नहीं था कि फ़ोन पे, फ़ोन तब नहीं था तो तब जो आप, हम टीवी सीरियल में देखते हैं जो वो लेटर आता है उसके ऊपर वो लोग लिख के फिर कोई एक दूत होता है वो वहाँ पे दूसरे शहर में देने जाता है, दूसरे राज्य में देने जाता है। तो तेनाली बबूर ने भी अपना मैसेंजर किसको भेजा? विजयनगर भेजा। क्या लिख के भेजा? अवर एम्परर इज ईगर टू मीट तेनाली रमन। महाराज, इफ इट प्लीज योर होलीनेस द एम्परर हैज रिक्वेस्टेड हिम टू अकम्पनी मी टू द दिल्ली दरबार ही शेड। उसने उसमें लिखा कि हमारा जो एम्परर है, हमारा जो राज्य है वो तेनाली रमन से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है, तो आप दया करके, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उसको दिल्ली दरबार में भेजो। किसको? तेनाली रमन को। ऐसा बबूर ने कहा। किसको कहा? तो कृष्णा देव राय को ऐसा मैसेज भेजा। कृष्णा देव राय एग्री, वो एग्री हो गया। ही टर्न टू तेनाली सेइंग गो विथ दिस मैसेंजर टू द मुगल दरबार एंड प्रेजेंट योर सेल्फ टू एम्परर बबूर। इफ यू आर अबल टू इम्प्रेस बबूर एंड रिसीव अ रिवार्ड फ्रॉम हिम आई प्रॉमिस टू गिफ्ट यू 10,000 गोल्ड कॉइन्स। रिमेंबर द हॉनर ऑफ अवर किंगडम इज इन योर हैंड्स। कृष्णा देव राय ने तेनाली रमन से क्या कहा कि ये जो मैसेंजर आया है उसके साथ आपको कहाँ जाना है? दिल्ली मुगल दरबार में जाना है। वहाँ पे जाओ और सबको इम्प्रेस करो और इनाम लेके आओ। अगर आपने सबको इम्प्रेस कर दिया तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कितना, वो जो कृष्णा देव राय है उसने क्या कहा, 10,000 गोल्ड कॉइन में आपको दूंगा। और ऐसा कहा कि याद रखना कि हमारे राज्य का ऑनर, ऑनर का मीनिंग होता है ग्लोरी यानी कि हमारे राज्य का जो मान है वो तुम्हारे हाथों में है, तो उसको गवाना मत।
Tenali replied, I will do my best and disappoint you, your majesty. The next day, Tenali left with the messenger. उसने कहा, मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा कि मेरी वजह से आप disappointment ना हो, यानी कि आप उदास ना हो, मैं आपको खुश करके ही रहूँगा. और दूसरे दिन वो messenger के साथ वो निकल जाता है. यहाँ तक का हमने स्टडी किया है, बाकी का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स.